हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लूप की नेस्टिंग कराई गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फॉर लूप लगा हुआ है यहीं पे लूप की नेस्टिंग हुई है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये इस तरीके से करके, नेस्टिंग ऑफ लूप, नेस्टिंग ये मैं कॉमेंट कर रहा हूँ, नेस्टिंग ऑफ लूप, ठीक है, एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप की नेस्टिंग कराई गई है। तो यहाँ देखिए फॉर लूप लगाया गया है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन रोज, ठीक है। फिर यहाँ आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करवाया गया। फिर यहाँ लूप के अंदर एक लूप यूज हुआ है, जिसे फॉर लूप के अंदर ही फॉर लूप यूज किया है मैंने, फॉर जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन कॉलम्स। कॉलम्स नाम का एक वेरिएबल है जो लेस देन है, जे मेरा की वैल्यू लेस है कॉलम से, और जे प्लस प्लस करवा दिया गया। अगर ऐसा हो तो जे प्लस प्लस हो जाए। फिर परसेंट डी, और फिर परसेंट डी दो बार लिखा गया है, और फिर यहाँ पर इस तरीके से दिया गया, आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल। अब इसको एक बार कंपाइल एंड रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें देखिए दो दो का सेट प्रिंट होगा, कैसे कैसे, जैसे 0 0 0 1 0 2 ऐसे करके दो दो का सेट प्रिंट करवाएंगे, और ये ब्रैकेट में प्रिंट होगा। देखिए ये मैं करके अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से पहले इसको कंपाइल करवा लेते हैं, तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से रन करवाते हैं, तो रन करवाएंगे तो यहाँ पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा देखिए स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है हमें, इंटर द नंबर ऑफ रोज। तो हम 5 रोज एंटर करेंगे। अब कह रहा है 5 कॉलम भी एंटर कर देते हैं। देखिए 5 रोज 5 कॉलम का मतलब क्या है, ये देखिए ये 0 0 यहाँ पे आया, 0 1 आया, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, पांचवी बार। फिर देखिए ये पहला रो बना, ये दूसरा रो बना, ये तीसरा रो बना, ये चौथा रो बना, और ये पांचवा, यानी 5 रो और 5 कॉलम का सेट प्रिंट हुआ, जिसमें 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 ऐसे करके ये प्रिंट हुआ है, और हर बार इंक्रीमेंट होता गया है, ये देख सकते हैं, ठीक है ना।